लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को सेहतमंद रखने के मकसद से खारघर में लुम्बिनी आरोग्य केंद्र की शुरुआत की गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर प्रारंभ किए गए इस आरोग्य केंद्र में महिलाओं के लिए फ्री स्वास्थ्य जाँच और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। संचालिका डॉक्टर प्रज्ञा डोंगरगांवकर ने लुम्बिनी आरोग्य केंद्र की मेडिकल सेवाओं को बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए स्थानीय महिलाओं से इन आरोग्य सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिक्षा सेवी और सत्याग्रह विद्यालय के संचालक डॉक्टर जीके डोंगरगांवकर ने बाबा साहब के आदर्शों और उनके योगदानों पर प्रकाश डालते हुए मार्गदर्शन किया। खारघर सेक्टर 19 के सुपारक भवन में पीपल्स एम्पावरमेंट सोसाइटी और लुम्बिनी आरोग्य केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए खास तौर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। सत्याग्रह विद्यालय के संचालक प्रोफेसर जीके डोंगरगांवकर की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। लुम्बिनी आरोग्य केंद्र की संचालिका डॉक्टर प्रज्ञा डोंगरगांवकर ने कहा कि महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के साथ इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी आरोग्य केंद्र में महिलाओं के लिए खास तौर पर आरोग्य जांच और उपचार की सेवाएं फ्री मिलेंगी। महिलाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के साथ ही यहां सभी बीमारियों के डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, जिनके जरिए यहाँ स्वास्थ्य जाँच के साथ ही निदान की भी सुविधा दी जाएगी। भारतीय घटनेचे शिल्पकार, महिलांचे उद्धारक, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त लुम्बिनी आरोग्य केंद्र याची स्थापना आज आपण केलेली आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करून, त्यांच्या विचारांना विनम्र अभिवादन करून, त्या विचारांना पुढे घेऊन जाण्याच्या ॲज अ मीन्स अँड ॲज अ पे बॅक टू द सोसायटी आपण हे उपक्रम चालू केलेलं आहे। ह्या उपक्रमा अंतर्गत दोन गोष्टी होती। पहिली गोष्ट आहे आरोग्य सेवा, एक जी आपण देणार आहोत। सो आरोग्य सेवा जी आहे ती फक्त स्त्रियांसाठी लिमिटेड नसून इट विल बी फॉर एव्हरीबडी, सगळ्यांसाठी असेल। वी विल हॅव फिजिशियन, सर्जन, ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट, ENT, अस्थिरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, प्रत्येक प्रकारचे डॉक्टर, त्यांचे वार ठरलेले असतील, तास ठरलेले असतील, त्याच्यानुसार ते येतील। आणि ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसायटी, मेन वुमेन, एव्हरीबडी विल गेट ट्रीटमेंट अंडर इट। लुम्बिनी आरोग्य केंद्र के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर कपिल चावरे, डॉक्टर शुभांशु भालाधरे, डॉक्टर प्रणीता डोंगरगांवकर समेत तमाम चिकित्सक मौजूद थे। केंद्र की अन्य सेवा सुविधाओं की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रज्ञा डोंगरगांवकर ने बताया कि यहाँ हेल्थ एजुकेशन और आरोग्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उनके करियर में मदद मिल सके। डॉक्टर प्रज्ञा डोंगरगांवकर ने कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन शहर के सभी जनों के लिए यहाँ फ्री हेल्थ कैंप चलेगा। उन्होंने इसका लाभ उठाने का भी आह्वान किया। The second program that will be run under it is that of health education. So आपण जे काही दुर्बळ जन आहे, आपलं जे 12वी सायन्सचे विद्यार्थी आहेत, जे BSc करत असलेले विद्यार्थी आहेत, ज्यांना पुढे जाऊन हेल्थकेअरमध्ये एड्युकेशन घ्यायचं आहे, त्यांना मार्गदर्शन, हेल्थकेअर एड्युकेशन घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना एड्युकेशन, त्यांचं प्रपोगेशन, त्यांचे क्लिनिक्स, हे सगळे म्हणजे दोन्ही प्रकारचे आरोग्य सेवा प्लस हेल्थ एड्युकेशन, दोन्ही प्रकारची सेवा आपण उपलब्ध करून देणार आहोत। ह्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे असं की बाकी दिवस जरी जे काय निधी असेल, तरी पौर्णिमेच्या दिवशी मात्र सगळ्यांना फ्री, बोथ फॅसिलिटीज विल बी फ्री। पहिली तर युअर हेल्थ फॅसिलिटी, दॅट इज आरोग्य सेवा जी असेल, ती पण मोफत असेल। आणि जे आरोग्य एड्युकेशन असेल, जे हेल्थ एड्युकेशन आहे, हेल्थ एड्युकेशन ऑन द डे ऑफ पौर्णिमा, ते सुद्धा फ्रीच असणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।